भाई साहब पंच ज़्यादा है इसका, गाड़ी में पंच ज़्यादा दिया है। ओ तेज है ये, इनिशियल इसका पिकअप अच्छा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कंपैरिजन बताऊंगा आपको। दो बाइक आई हैं, जावा की है, एक पैराक है और एक जो है वो जावा बॉबर 42 है। दोनों सेम ही है, मतलब एक ही चेसिस में आई है तो दोनों सेम ही है, दोनों का लुक एकदम सेम है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि ये भाई नई है, ये भाई पुरानी है। पुरानी मीन्स ये 2022 मॉडल है, ये 21 में आई थी, 21 में या 20 में आई थी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो ये रहा बॉबर 42, ये है पैराक। अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और याली बाइक हम क्यों ले इसको ना लेके, उसके बारे में आज बात करेंगे। बात सबसे पहले आती है लाइट पे, तो हम सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट आप देख सकते हो यहाँ पे फुली LED आपको मिल रहा है, इंडिकेटर भी छोटे कर दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, LED तो है आपके इंडिकेटर, बट आपका जो हेडलाइट है ना वो ओल्ड स्टाइल है, हालांकि उसमें भी LED लगा हुआ है, ठीक है, बट ओल्ड स्टाइल। यहाँ पे आपको मॉडर्न स्टाइल की हेडलाइट देखने को मिलती है। टायर की बात करूँ तो टायर अगेन सेम वही मिल रहे हैं आपको, जूम क्रूज C8 के यही लग के आते थे पहले भी, आप देख सकते हो। ठीक है, साइज़ अगर मैं बताऊँ, साइज़ भी चेंज नहीं किया गया है, 190/18 का आपको यहाँ पे साइज़ देखने को मिल रहा है। डिस्क की बात करूँ, डिस्क का साइज़ सेम है, बाइब्रेक है, यहाँ पे आपको ब्रेक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं अब बात करूँ यहाँ पे कूलेंट की, तो आप देख सकते हो इसमें भी कूलेंट जो है ना वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। हालांकि अभी तक ऐसा प्रॉब्लम मुझे देखने को तो नहीं मिला है, बट अगर मान लीजिए इसमें कोई पत्थर आता है या कुछ भी कील वील आती है चलते हुए, तो भाई इसमें छेद हो जाना है। बाकी लिक्विड कूल इंजन है। दोनों का जो CC है वो 334 CC है। पावर सेम आपको मिलेगी, स्क्रीन पर लिख आ रही है, आप देख सकते हैं इंजन एकदम सेम है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लैक फिनिश में है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रोम फिनिश में, जैसा कि जावा में आती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट की बात करूँ तो एग्जॉस्ट में चेंज देखने को मिल रहा है, ऊपर से नीचे तक तो सब सेम है। जो लास्ट पॉइंट है, टिप है, वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस में कट मिला है, यहाँ पे जो है नीचे की तरफ कट मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रोम का फिनिश आपको देखने को मिलेगा एंड में, जो कि बाइक को थोड़ा सा और प्रीमियम कर देता है। पीछे की ब्रेक की बात करूँ तो सेम आपको मिलने वाला है, पीछे का टायर भी आपको सेम मिलने वाले हैं, C8 के टायर हैं, जूम क्रूज, ये साइज़ है 140/70/17। तो पीछे के इंडिकेटर आप देख सकते हो है LED, पीछे की लाइट जो है सीट के नीचे है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो पीछे की लाइट है आपको एकदम मडगार्ड में दे दी गई है, एंड ये जो लाइट है छोटे छोटे कर दिए गए हैं इंडिकेटर्स, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पहले से तो अच्छे लग रहे हैं भाई। आप लोगों का कहना है कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराक में आफ्टर मार्केट यहाँ पर आपको मिलता है गार्ड, इंजन गार्ड बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हैवी लग रहा है, यहाँ पर आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पर सबसे मेन चीज़ पर, जो कि इसका है स्पीडोमीटर। आप देख सकते हो इसका स्पीडोमीटर बहुत ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पैराक। तो यहाँ पे आपको मिलता है फुली LED डिस्प्ले, साथ ही साथ यहाँ पे पूरा आपको मिलता है मोड चेंज करने का ऑप्शन। यहाँ पे हॉर्न है, हॉर्न का भी जो साउंड है बहुत ही बढ़िया है, हजार्ड लाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे सबसे एक बहुत ही एडवांटेज मिल रहा है आपको, यहाँ पे चार्जिंग का फैसिलिटी देखने को मिलेगा, अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बार एंड मीटर लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हजार्ड लाइट के लिए हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ा था, एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपने मेरे रिव्यू में देखा ही होगा। एंड अगर मैं इसकी पैराक की बात करूँ तो पैराक में देखिए क्लासिक के तरीके से दिया हुआ है, जो कि ये जो है ना मुझे एकदम मैडक की तरह लगता है, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, मेरा पर्सनल फील है कि मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसको आप एडजस्ट कर पाओ यहाँ से, अब इसको कैसे किया जाता है एडजस्ट मुझे नहीं पता है, यहाँ पे तो बिल्कुल बटन नहीं दिए हुए हैं। हजार्ड लाइट इसमें आपको नहीं देखने को मिल रही है, लाइट का सिस्टम सेम है, स्विचेस की क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट की गई है, अच्छी की गई है, उसमें थोड़ी से अच्छे हैं स्विच की क्वालिटी, बाकी आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। बार एंड मिरर सेम है, इसके जो ग्रिप है वो भी एकदम सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड बस जो चेंज किया गया है इस पर चेंज किया गया है, एंड स्विच क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, बाकी बाइक कुछ इस तरीके की है। चलने में थोड़ी सी रिफाइंड है, अगर मैं बात करूं बॉबर 42 की, स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आवाज़ कैसी है। गाड़ी की आप साउंड सुन सकते हैं, स्टैंड लगाऊंगा बंद हो जाएगी, न्यूट्रल में है फिर भी बंद हो जा रही है, ये देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पैराक को और उसमें देखते हैं क्या है साउंड। तो ये कुछ पैराक की साउंड है, ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ी सी इंजन में वाइब्रेशन की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे पैराक लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा है 42 जावा, एंड यहाँ पे
ब्रांडिंग मिल जाती है आपको 42। तो चलिए इनको चलाते हैं और आपको दिखाते हैं इनका फील एंड लुक कैसा है। मिलते हैं सीधे बाइक। तो चलिए पहले पैराग चलाते हैं और दिखाते हैं आपको चलने में ये कैसी है। चलिए चलाते हैं पैराग। बढ़िया चल, बढ़िया रही है ये भी भाई, लेकिन थोड़ी सी स्मूथनेस की कमी है। फुट रेस्ट में मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, ठीक है। अभी मैं दूसरे तीसरे गियर में था, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा था और मेरे इवन बट में भी फील हो रहा था वाइब्रेशन। एंड अगर मैं बात करूँ जावा 42 बॉबर के कंपैरिजन में, तो भाई ये इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। चलिए बॉबर चलाते हैं और दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर होने लग जाते हैं। तो चलिए अब बॉबर चलाते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो कैसी है चलने में। तो चलिए अब चलाते हैं बॉबर 42। ये कैसी है चलने में वो दिखाते हैं आपको। अगर मैं स्टांस की बात करूँ तो जो इसका स्टांस है ना वो थोड़ा सा आगे है, आप देख सकते हो, एज़ कम्पेयर टू पैराग। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका जो फुटरेस आप देख रहे हो वो थोड़ा आगे की तरफ है, इसका जो है अंदर की तरफ है। तो अगर मैं इसमें बैठूंगा ना तो जो मेरे पैर है थोड़े से अंदर हो जा रहे हैं, ये देख रहे हो आपको, थोड़ा सा मतलब मान लीजिए 40 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। एंड अगर मैं इसमें आऊँ तो आप देख सकते हो मेरे पैर जो है ना वो आगे की तरफ है, आगे की तरफ एकदम 90 डिग्री बन रहे हैं पैर। तो थोड़े कंफर्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है तो आपके पोस्चर में थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगे तो आपको बैठने पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एंड जो इसकी हैंडल है ना बहुत ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू जावा पैराग। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब मोड़ने वोड़ने में दिक्कत हो रही है जब खड़ी है, बाकी चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए चलाते हैं इसको और देखते हैं ये कैसी चलने में। ओ भाई साहब पंच ज़्यादा है इसका, गाड़ी में पंच ज़्यादा दिया है। ओ तेज है ये, इनिशियल इसका पिकअप अच्छा है, वो हम ड्रैग में चेक कर लेंगे, बाकी इनिशियल तो अच्छा है इसका एज़ कम्पेयर टू जावा। अब टॉप स्पीड में कौन निकलती है वो हम ड्रैग में देखेंगे, बाकी भाग रही है भाई, भाग रही है, बहुत तगड़ी भाग रही है। तो अभी आपने देखा दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे दोनों बाइक की तरफ और कंक्लूजन की तरफ कि कौन सी बाइक बढ़िया है चलने में और कौन सी बाइक अभी लेनी चाहिए हमको अगर कंपेयर करें पैराग के साथ। तो बाइक हमने दोनों चला ली हैं और दोनों के चलाने में मतलब इतना फील में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा पिकअप इसमें ज़्यादा मुझे फील हुआ, हो सकता है ये नहीं है इसलिए ऐसा फील हो रहा है, बाकी तो ड्रैग में देखेंगे कि क्या रिजल्ट है। और बाइक में जो चेंजेस किए गए हैं ना बहुत मिनिमल चेंजेस किए गए हैं, जो कुछ फ़ायदेमंद है कुछ मतलब किसी कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो चेंजेस हैं बड़े बड़े वो फ़ायदेमंद ही है, जैसे कि हेडलाइट का लुक थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है, इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट अब लग रही है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल मिलता है, साथ ही साथ अगर मैं सीट की बात करूँ सीट चेंज किया कर दी गई है, सीट आप देख सकते हो एंगल कितना चेंज है। एंड इसकी जो फुट रेस्ट है वो थोड़ा पीछे था तो इतनी कम्फर्टेबल नहीं लगती थी, अभी आगे कर दिया है जैसे एक क्रूज़र बाइक होती है वैसे, तो थोड़ा सा और अच्छा फील दे रही है, बैठने में कम्फर्टेबल है। तो ये सब चेंजेस हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, होप करता हूँ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए ज़रूर, और अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको चूज़ करना है तो कंक्लूजन यही है कि भाई अब नई बाइक आ चुकी है तो नए में आप जावा पावर 42 के साथ ही जाएंगे, पैराग यार लेना मतलब अब फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना मॉडर्न एज की दे दी गई हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अब पावर 42 लेना ही समझदारी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करिए। बाय बाय।